हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं टीवी सीरीज द ट्वाइलाइट जोन का एक बहुत ही अच्छा एपिसोड है, और इसलिए दोस्तों हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आने पर कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक न्यूज से, और न्यूज में बताया जा रहा था कि एक लिटिलटन टाउन की मेयर ट्रीना ग्रांड की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा टाउन शोक मना रहा था, क्योंकि ट्रीना ग्रांड एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार मेयर थी। और आगे हमें ये भी बताया जाता है कि ट्रीना इस टाउन को अट्रैक्टिव बनाना चाहती थी ताकि टूरिस्ट भी यहाँ पर आ सकें, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रीना के साथ साथ उसके सपने भी हमेशा के लिए उनके साथ चले गए। अब इसके बाद हमें एक साल बाद का समय दिखाया जाता है, और अब लिटिलटन टाउन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, और टाउन का न्यू मेयर जॉन कॉनले बन चुका था, जो कि पहले एक एडवोकेट हुआ करता था। अब यहाँ हम जॉन को देखते हैं, जो कि अपनी मनपसंद लाल कार में से बाहर निकलता है। दरअसल जॉन कॉनले एक नंबर का मक्कार मेयर है, क्योंकि उसने टाउन के बारे में कभी भी नहीं सोचा। टाउन जैसा पहले था, अभी भी वो बिल्कुल वैसा ही है। अब आगे हम जेसन ग्रांड को देखते हैं, जो कि टाउन में बने चर्च के रूफटॉप पर होता है। दरअसल जेसन ट्रीना का हस्बैंड था, और ट्रीना के मर जाने के बाद से वो चर्च में ही ज्यादातर अपना समय बिताया करता था। अब तभी जेसन के पास एक एमिलियो नाम का लड़का आता है, जो कि उसी टाउन का होता है। जेसन ने उससे कुछ सामान मंगवाया था, जिसे वो जेसन को दे देता है, और एमिलियो ने मेयर के काफी सारे कार्टून स्केचेस भी बनाए हुए थे, जो कि जेसन को काफी पसंद आते हैं, क्योंकि जेसन को नए मेयर से चिढ़ थी, और उस चिढ़ के पीछे का रीजन था क्योंकि उस नए मेयर ने आज तक टाउन का कोई भी काम नहीं किया था, जो कि उसकी बीवी का सपना था। अब इसके बाद एमिलियो अपने घर जा रहा होता है, और जाते हुए वो जेसन से पूछता है कि तुम इस चर्च में दिन भर क्या करते हो, ये काफी डिप्रेसिंग है। इस पर जेसन कहता है, मेरी वाइफ और मैं इसी चर्च में आया करते थे, और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता था, और मेरी वाइफ के जाने के बाद मुझे पास्टर निकी ने कहा है कि यहाँ रहने से मैं थोड़ा शांत महसूस करूँगा और अपने आप को गॉड से क्लोज रख पाऊंगा। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, और हम जेसन को अपने यार्ड हाउस में देखते हैं, जहाँ वो पौधों को पानी दे रहा था। तभी वहाँ पास्टर निकी आती है, जो कि उसके पौधों की तारीफ करती है, साथ ही वो उससे कहती है कि अब उसे ट्रीना को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद जेसन चर्च की रूफटॉप में आता है, जहाँ कई सारा पुराना सामान रखा हुआ था, तो जेसन उस सामान को ठीक तरह से जमाने लगता है। अब सामान को जमाते वक्त जेसन को वहाँ एक टाउन का मॉडल मिलता है, और उस मॉडल को वो टेबल पर रखता है। वो मॉडल दिखने में बिल्कुल टाउन की तरह ही होता है, और साथ ही उसकी डिटेलिंग भी बिल्कुल टाउन की तरह ही होती है, यानी कि जैसा कलर घरों का था, सेम वैसा ही कलर मॉडल के घरों में भी था। और इतना ही नहीं, जमीन पर जहाँ जहाँ भी क्रैक्स थे, टाउन के मॉडल में भी वो क्रैक्स दिखाई दे रहे थे। ये देखकर जेसन काफी हैरान होता है, और अब वो उसे और भी करीब से देखने लगता है। तभी उसे मॉडल के नीचे एक की लगी हुई दिखाई देती है, और तब जेसन उस की को घुमाने लगता है, और जैसे ही वो उसके नीचे लगे बटन को दबाता है, वैसे ही टाउन के मॉडल के नीचे लगी मशीन भी चलने लगती है, जिससे इस टाउन मॉडल के घरों में बिजली आ जाती है। आगे उस मॉडल में जेसन की नजर चर्च के रूफटॉप पर पड़ती है, और चर्च का मॉडल वैसा ही था जैसा रियल में वो दिखाई देता है। तब जेसन अपने चर्च को करीब से देखता है, और जब वो रूफटॉप के शीशे में अपने आप को देखता है, तो उसे अंदर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो काफी चौंक जाता है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद जेसन वाटर स्प्रे लेता है, और मॉडल में रूफटॉप की विंडो पर छिड़क देता है, और उसके ऐसा करने के तुरंत बाद में ही चर्च के विंडो पर पानी आ जाता है। ये देखकर जेसन हैरान हो जाता है, और इसके बाद वो ढेर सारा पानी मॉडल पर छिड़कता है, जिससे चर्च के आसपास बारिश होने लगती है। तब जेसन विंडो ओपन करके देखता है, तो ये बारिश चर्च के आसपास ही हो रही थी, और पूरा टाउन सूखा पड़ा हुआ था। जेसन ये सब देख तो रहा था, लेकिन उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। ये सब उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब फाइनली जेसन के पास एक मौका था अपनी पत्नी का सपना पूरा करने का। वो इस टाउन के मॉडल से टाउन को बदल सकता था, उसे बेटर बना सकता था। आगे जेसन टाउन के एक बार में जाता है, जिसे एना नाम की लेडी संभालती है, जो कि एमिलियो की माँ होती है। और वहाँ भी दो आदमी बारिश के बारे में ही बातें कर रहे थे कि बारिश बहुत ही अजीब तरीके से हुई। कुछ सेकंड के लिए बारिश हुई और अचानक बंद हो गई, और जो बारिश हुई वो कुछ ही घरों पर हुई। तब जेसन भी वहाँ बैठकर उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बना बैठा होता है।
आगे है ना, गर जैसन से बात करने लगती है और जैसन अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है। अब कॉफी देने के बाद एना अपने बेटे एमिलियो से बात करने लगती है, तब जैसन उनकी बातों को सुन रहा होता है। एना एमिलियो से कह रही होती है कि हमें कल तक अपने बार की दीवार पर पेंट करवाना है। ये बात जैसन सुन लेता है और अपनी डायरी में नोट कर लेता है। जैसन को टाउन में जो भी बदलाव करने थे वो डायरी में लिखता जा रहा था। और अब उसी रात जैसन टाउन मॉडल में एना के रेस्टोरेंट की बिल्डिंग पर नेल पॉलिश की मदद से पेंट कर देता है। और जब नेक्स्ट डे एमिली और उसकी माँ आते हैं तो उनकी बिल्डिंग पर पेंट को देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी ने भी पेंट नहीं किया था। तो आखिर ये हुआ कैसे? उनके मन में काफी सारे सवाल थे कि आखिर ये पेंट किया किसने और इतना जल्दी कैसे हुआ। तब जैसन भी वहाँ आकर अनजान बनकर पेंट की तारीफ करने लगता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और जैसन अपने घर से बाहर आता है, तभी वो एक बूढ़ी औरत को देखता है जो कि फुटपाथ पर गड्ढा होने की वजह से गिर जाती है। जैसन जल्दी से उस ओल्ड लेडी के पास जाकर उनकी मदद करता है। तब उस लेडी के साथ जो बूढ़ा आदमी यानी कि उसका हस्बैंड था, वो जैसन से कहता है, हमने कितनी बार सजेशन बॉक्स में लेटर डाला है सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए, लेकिन कोई उसे देखता भी नहीं। उनकी ये बातें सुनकर जैसन उस सजेशन बॉक्स की सारी चिट्ठी अपने साथ ले जाता है और इसके बाद वो सजेशन के अकॉर्डिंग टाउन में सारे बदलाव करने लगता है। वो उस गड्ढे को फिक्स करता है, साथ ही वो सड़क को भी साफ करता है, बेवजह के पेड़ों को हटा देता है और पूरे टाउन को साफ कर देता है। और इन सब के अलावा वो और भी कई सारे काम करता है। अब इसके बाद अगले दिन टाउन के लोग इस बदलाव को देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानते थे कि ये सब आखिर किया किसने। और जैसन भी उन लोगों की बातों को सुनकर खुश हो रहा था। आगे जैसन एना के रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर मेयर भी होता है, जो कि वहाँ रेंट लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि जिस बिल्डिंग में एना का रेस्टोरेंट था वो बिल्डिंग मेयर की ही होती है। और मेयर एमिलियो पर गुस्सा भी कर रहा होता है उस पेंट की वजह से, जिस पर एमिलियो कहता है, हमें इस पेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि ये किसने किया। तब एना मेयर से कहती है, जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ, पर ऐसा आगे नहीं होगा। ये सब होते हुए जैसन देख रहा था। अब मेयर के जाते समय मेयर जैसन से टकराता है, तो पहले तो मेयर जैसन को पहचानने से इंकार कर देता है। तब जैसन उसे याद दिलाता है कि वो पहले उसकी वाइफ ट्रीना के साथ काम करता था। ये सुनकर मेयर वहाँ से चला जाता है। अब इन सब के बाद जैसन एक सुपरमार्केट जाता है जहाँ लोग टाउन के बदलाव के बारे में बातें कर रहे थे कि पूरा टाउन साफ हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, वो भी एक ही रात में। तब जैसन भी उनसे बातें करने लगता है और वो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एंजल आकर टाउन में सब कुछ ठीक कर रही हो। तब वहीं खड़ा शॉपकीपर कहता है, ये सब मेयर ने किया है और हमें उन्हें वापस मेयर बनाना चाहिए। तब जैसन कहता है, यहाँ के लोगों ने पहले मेयर को चुनकर मेयर नहीं बनाया था, वो तो मेयर ग्रांट मेरी वाइफ की अचानक डेथ हो गई थी और उनके पद पर ही नए मेयर को मेयर बनाया गया, ना कि वो इलेक्शन जीत कर मेयर बने हैं। और ये सब सुनकर जैसन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए लोग मेयर की तारीफ कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि ये सब मेयर ने किया है। अब इसके बाद जैसन घर आता है जहाँ जैसन टाउन को थोड़ा डेकोरेट करने के बारे में सोचता है। वो टाउन के लिए एक वेलकम बोर्ड बनाता है जो कि काफी अट्रैक्टिव होता है। इसके बाद उस टाउन पर और लोग रहने लगते हैं और वहाँ कई सारे टूरिस्ट भी आने लगते हैं। ये सब देखकर जैसन काफी खुश होता है, क्योंकि जैसा उसकी वाइफ चाहती थी ठीक वैसा ही बदलाव इस टाउन पर हो रहा है। अब इस मिरेकल के बाद सभी टाउन के लोगों को चर्च बुलाया जाता है और वहाँ पर सभी लोगों को लग रहा था कि ये सारा काम मेयर ने किया है, इसलिए सारे लोग मेयर की तारीफें करते हैं। चर्च की पास्टर निकी भी मेयर की तारीफ करती है कि मेयर की वजह से हमारा टाउन कितना साफ हो गया है, टाउन के चौराहे ठीक हो गए हैं और जगहों को पेंट कर दिया गया है। और मेयर भी तारीफें सुनकर खुश होता है और किसी को भी नहीं बताता कि ये सारा काम उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। और बताएगा भी क्यों, उसे तो लोगों की वाहवाही ही मिल रही है। अब ये सब देखकर जैसन को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और वो रास्ते से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और इसके बाद में वो उस पत्थर को टाउन मॉडल में दिखाई दे रही मेयर की फेवरेट कार पर गिरा देता है। सुबह होने पर मेयर अपनी कार की ऐसी दशा देखकर काफी आग बबूला हो जाता है। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगता है कि क्या किसी ने कुछ नहीं देखा कि मेरे कार की ऐसी हालत किसने की। तभी वहाँ पर मेयर को एमिलियो दिखता है जो कि अपनी पेंटिंग को देखकर हंस रहा था। तब मेयर उसके पास जाकर उससे उसका स्केच छीन लेता है और वो देखता है कि वो स्केच उसी क्रश्ड कार की होती है। ये देखकर मेयर काफी भड़क जाता है और वो एमिलियो से कहता है, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तभी एना उसके बीच में बोल उठती है कि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है।
अब लोग मेयर के बर्ताव को देखकर समझ गए थे कि ये मेयर कैसा आदमी है, उसे लोगों से ज्यादा उसके कार की पड़ी है। और ये बात मेयर को भी समझ आ रही थी कि चीजें उसके हाथ से निकल रही हैं। इसलिए वो बातों को पलट देता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, ये बस एक कार ही तो थी, उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। और ये कार उनके टाउन से बढ़कर थोड़ी है, हम इस टाउन को बेहतर बनाएंगे। अब उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में लोग फंस जाते हैं और मेयर की स्पीच पर लोग तालियां बजाने लगते हैं। और ये सब देखकर जैसन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मेयर ने पहले ही उनके टाउन में कुछ भी नहीं किया है और अब और पता नहीं क्या ही कर लेगा। और अब उसे सबक सिखाने के लिए रात में जैसन एक मकड़ी को टाउन के रास्ते में रख देता है जहाँ से मेयर गुजरने वाला था। और इस बार एमिलियो भी उस स्पाइडर को देख लेता है। यहाँ मेयर आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ से वो स्पाइडर भी उसकी तरफ आगे बढ़ जा रही थी। तभी वो मेयर के ठीक सामने आ जाती है और उसे देखने के बाद मेयर के होश उड़ जाते हैं। वो उससे काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन इतने में जैसन उस मकड़ी को वापस उठा लेता है और मकड़ी को वहां ना पाकर मेयर चैन की सांस लेता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेयर पास्टर के साथ होता है और वो अपनी कल वाली बात उसके साथ डिस्कस करने वाला होता है कि तभी उसे एमिलियो दिखाई देता है जो कि एक मकड़ी की वॉल पेंटिंग के आगे खड़ा होता है। मेयर को लगता है कि ये सब कुछ उसी ने किया होगा, इसलिए वो एमिलियो को पकड़ लेता है। लेकिन इतने में एमिलियो की माँ वहाँ आ जाती है और वो मेयर को उसके बेटे से दूर रहने को कहती है। अब इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है जहाँ जैसन टाउन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक नया वेलकम बोर्ड बनाने लगता है और उसे बनाने के बाद उसे टाउन पर लगा देता है। और उस वेलकम बोर्ड पर इस बार पहले से भी ज्यादा लाइट्स होती हैं। अब रात ज्यादा हो गई थी और इसलिए जैसन सो जाता है। और अब रात में अचानक उस बोर्ड की वजह से टाउन मॉडल की इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट होता है और टाउन मॉडल के साथ साथ पूरे टाउन की लाइट्स भी चली जाती हैं। अब पूरा टाउन अंधेरे में घिर जाता है और इन सब की वजह से टाउन के सारे लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं और वो मेयर से शिकायत करते हैं कि लाइट ना होने की वजह से हमारी मशीन काम नहीं कर रही है, हमारे पंप हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और सभी लोग मेयर को अपनी प्रॉब्लम बताकर मेयर से लाइट की मांग करने लगते हैं। तब मेयर उन्हें कहता है कि मैंने आगे बात की है पर मुझे पता चला है कि लिटिल टन टाउन की लाइट्स में शॉर्ट सर्किट हुआ है और ये शॉर्ट सर्किट न्यू साइन बोर्ड की वजह से हुआ है और इसे सही होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब लोग पूछते हैं कितना समय लगेगा, जिस पर मेयर जवाब देता है कि कम से कम कुछ वीक्स तो लगेंगे। मेयर की ये बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उनमें से एक लेडी कहती है, तुम अपना काम उसी तरह से करो जैसे कि तुम बाकी सारे काम करते हो, तुम टाउन का बड़े से बड़ा काम रातों रात कर देते हो, इसे भी इसी तरह करो क्योंकि तुमने पहले भी टाउन का काफी सारा काम इसी तरह किया है। जिस पर मेयर कहता है, मैंने टेक्निकली कभी ऐसा नहीं कहा कि ये सारा काम मैंने ही किया था। अब ये सुनने के बाद तो लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वहीं बैठी लेडी कहती है, मेयर ये सब इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग ये टाउन छोड़ दें और मेयर इस टाउन की जमीन को डिस्काउंट पर खरीद सके। तब मेयर उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन सारे लोग मेयर के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तब मेयर उनसे बचकर भागता है, तभी बाहर उसे एमिलियो दिखता है जो कि उसी वेलकम बोर्ड का स्केच बना रहा था। तब मेयर उसे पकड़ लेता है और उसका स्केच उससे ले लेता है और वो सभी लोगों को स्केच बताकर कहने लगता है कि यही लड़का सब चीज का जिम्मेदार है, ये टाउन पर कोई जादू टोना कर रहा है क्योंकि जब भी कुछ होता है तब ये वहाँ पर मौजूद होता है और हमेशा जो भी स्केच ये बनाता है वही घटना होती है। लेकिन लोग अभी भी मेयर को इन सब का जिम्मेदार मान रहे थे और वो मेयर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार जैसन बीच में आता है और सारी बातें संभालता है और वो कबूल करता है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, दरअसल मैं तो बस आप लोगों की मदद करना चाहता था क्योंकि मेयर यहाँ कोई भी काम नहीं कर रहा था। ये सुनकर लोग काफी हैरान होते हैं और वो जैसन से कहते हैं कि वो साबित करके दिखाए। तब जैसन कुछ लकड़ी के टुकड़ों को लेता है, टाउन के मॉडल के बीच में रखकर जला देता है। तब टाउन में भी लोगों को लकड़ियाँ दिखाई देती है जिसमें आग लग जाती है, जिससे लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है। आगे जैसन चर्च के रूफटॉप पर होता है और वो हाथ में से उसकी वाइफ की पहनाई हुई सोने की रिंग को निकाल कर वहाँ रख देता है और अपनी वाइफ से कहता है, सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें निराश किया, मैं टाउन को अच्छा नहीं बना सका। अब इसी बीच वहाँ पर मेयर भी आ जाता है और उसके साथ दो पुलिस गार्ड्स भी आते हैं। मेयर उस मॉडल को देखकर काफी कुछ समझ जाता है और वो पूछता है, तुम इस टाउन के मॉडल के जरिए टाउन में बदलाव किया करते थे? तब जैसन उससे कहता है, मुझे लाइट्स ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन यहाँ मेयर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो उससे कहता है, तुम लाइट चेंज करने की बात कर रहे हो, हम तो इसके जरिए पूरी जगह को ही बदल सकते हैं,
इस जगह को वेगस सिटी बना सकते हैं। लेकिन जेसन उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। लेकिन मेयर अपने गार्ड से कहता है, इस मॉडल को अपने साथ ले चलो। तब वो गार्ड्स उस टाउन मॉडल को वहाँ से उठाकर ले जाने लगते हैं। इस पर जेसन उन्हें रोकता है और इसी झड़प में टाउन मॉडल टेबल से गिर जाता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस टाउन की हालत काफी खराब हो चुकी है। उसमें बने कई घर टूट चुके थे और टाउन में भी भूकंप आया, जिसकी वजह से लोगों के घर बर्बाद हो गए। लेकिन वहाँ के लोग सुरक्षित थे क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी को ही नुकसान हुआ था। वहाँ पर मीडिया भी आई हुई थी जो कि ये सब कुछ लाइव बता रही थी। तब जैसन भी एमिली और उसकी माँ एना और टाउन की पास्टर निकी के साथ होता है और वो टाउन की इतनी दयनीय हालत को देख रहा होता है। तब एमिली और जैसन से कहता है, तो क्या अब हम मॉडल को फिर से ठीक करके टाउन में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? इस पर जैसन कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो सकता है। तब पास्टर निकी कहती है, जब लोग एक साथ खड़े होंगे तो हम टाउन की हालत को फिर से बेटर बना सकते हैं, पर इसके लिए भी बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। और तभी उन लोगों की नज़र टाउन में पड़ी एक बड़ी सोने की रिंग पर पड़ती है। ये रिंग जैसन की वाइफ की थी जो मेयर से लड़ते वक्त गलती से टाउन मॉडल पे गिर गई थी, जो कि अब टाउन में एक बहुत ही बड़ी रिंग की तरह दिखाई दे रही थी, जिसके जरिए जैसन अब इस बड़ी सी रिंग को बेचकर टाउन के लोगों के साथ मिलकर अपने टाउन की हालत में सुधार कर सकता था। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।